Ja, Assalamu alaikum and welcome back to the studio creator. Last session, we talked about how camera movements could be added in Beyond Studio. In this session, we will talk about how voice could be added. At this uh, stage, I just wanted to let you know that there are two types of voice one is character dialogue, and second is voiceover narration. Character dialogue uh, is what you seeing me do right now. I will select the character. We'll go here through the expression. I uh, did reset and will select again talk no lip sync for you people and uh, apply it. After applying and uh, taking its preview, uh, let's see what happens. So, uh, did you notice that that character is uh, talking uh, to another character and how my voice uh, is lipstick to that character? So, uh, character dialogue is uh, best when you are conversing with another character. और इन अदर स्नेरियोज व्हेन वी आर स्पीकिंग डायरेक्टली टू द ऑडियंस सेकेंड कंडीशन आती है वॉइस ओवर निरेशन की जिसमें आप बैकग्राउंड ऑडियो जो है अपनी वीडियो में ऐड करते हैं एंड यू कैन लेसन फ्रॉम हियर, लाइक दिस इज़ द बटन ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक इन फर्स्ट यू कैन लेसन एंड देन यू कैन एड आई एम गोइंग टू लेट सिपलेटेड फ्राम लाइक अगेंस्ट दीन आई जस्ट वॉन्ट टू एड द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड्रेस्ट आई विल डिलीट सो ओनली ऑन दिस पोर्शन द बैकग्राउंड ऑडियो इज एड सो वी टॉक्ड अबाउट द वॉइस वेशन जिसमें हमने बैकग्राउंड ऑडियो की बात की सीन की अगेंस्ट ठीक है जी ये हम तब करते हैं कि जब हम चाह रहे होते हैं कि Uh, characters uh, when we uh, those characters are not required to be used or we don't want them to be in speaking mode there are several ways to add voice to your characters in scenes the first option is in your audio panel you can have a look on this button audio button तो आपको ये एक ऐड साइन भी नज़र आएगा जिसके थ्रू आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं जब इस बटन को फर्दर क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन और मिलती हैं आपको एक माइक रिकॉर्डिंग की है और एक टेक्स टू स्पीच की है जब माइक रिकॉर्डिंग को प्रेस करेंगे बटन को तो देखिए आपके सामने एक विंडो खुली है जिसपे माइक का बटन बना हुआ है वेन यू विल क्लिक ऑन एट तो फिर आप क्या होगा कि आपकी वॉइस जो आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी इसको करके क्लिक करके देखते हैं देखें अब आपको फील हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ और साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो रही है जैसे ही मैं बोलना बंद करूँगी तो आ, जो यानी ऑडियो को स्टॉप करूंगी तो होगा क्या कि एक ऑडियो जनरेट होगी और बियॉन्ड स्टूडियो स्टूडियो उसको सीन के अगेंस्ट जो है वो आ, जो है वो अटैच ऑटोमेटिकली कर देगा अब इसको स्टॉप करते हैं और इसको क्लिक करके देखते हैं देखें ये प्रोसेसिंग हो रही है और ऑडियो जनरेट हो रही है लेकिन आप देख रहे हैं कि जो सीन मैंने सेलेक्ट किया था ये ऑडियो जो है वो अटैच उधरी हुई है और देखें लिखा हुआ आ रहा है कि माइक रिकॉर्डिंग एडेड यानी ये अब ये देखें मेरा आ, मेरी वॉइस की जो पिच नोट्स हैं हाई और लो वो यहाँ तक आ रहे हैं यानी मेरी ऑडियो की लेंथ सिर्फ इतनी है लेकिन मेरा सीन की लेंथ जो है वो ज़्यादा है तो मैं इसको रिड्यूस करूँगी ताकि मेरी आ, जो आवाज है वो इस सीन तक रहे और ये तो अब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि आपको मेरी आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है कि नहीं देती है। देखें अब आपको फील हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ और साउंड है वो रिकॉर्ड हो जी यहाँ तक तो माइक रिकॉर्डिंग की हमने और उस रिकॉर्डिंग को हमने एज एन ऑडियो भी यूज कर लिया दूसरी ऑप्शन हमारे पास जो नजर आ रही है वो थी यहाँ पे बटन को क्लिक करने से दूसरी ऑप्शन हमें जो मिल रही थी वो टेक्स्ट टू स्पीच थी इसको क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है इनपुट योर लाइन है यहाँ पे जो भी टेक्स्ट मैं लिखूँगी और जब जनरेट का बटन प्रेस करूँगी तो क्या होगा कि मेरी लिखा मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो ऑडियो में कन्वर्ट होगा जनरेट होगा और ऑटोमेटिकली जो है वो ऑडियो अटैच हो जाएगी मेरे सीन के साथ ठीक है तो यहाँ तक हमने बात की वो तरीके देखे कि वॉइस हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं एक हम माइक रिकॉर्डिंग के थ्रू कर सकते हैं और दूसरी ऑप्शन हमें मिली कि अगर आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल है आप बोला नहीं चाह रहे तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्पीच में टू वेज हमने डिस्कस किए वॉइस ऐड करने के इसके अलावा टू वेज और हैं जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियो फाइल को लोकेट कर सकते हैं आ, ये देखें यहाँ पे अपलोड का बटन नज़र आ रहा है ये कुछ फाइल्स हैं जो कि आप लोकेट करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम से तो वो आपको ऑप्शन देता है अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर तो वो आप लोकेट करके फाइल को एम फाइल को अटैच कर सकते हैं ये सारी एम फाइल्स हैं जो कि इनमें से एक डिज़ाइट जो है वो मैं अटैच करना चाह रही हूँ माइंडफुलनेस की तो माइंडफुलनेस की जैसे ही अपलोड होती है तो उसको अटैच करके देखते हैं कि वो सीन के अगेंस्ट जो है वो अटैच आ, हो गई है कि या हो जाती है कि नहीं होती अब ये देखें जैसे ही अपलोड हुई और प्रोसेस हुई आ, तो उसको मैं मैंने क्लिक किया ये आपको म्यूज़िक फ़ाइल का आइकन भी नज़र आ गया कि ये एक म्यूज़िक फ़ाइल है आ, और आ, इसको ज, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये सीन के अगेंस्ट अटैच भी हो गई अब आ, एक तो ये था कि आपने फ़ाइल को लोकेट कर लिया जो कि और फिर अपलोड कर लिया बियॉन्ड में और अपने सीन के अगेंस्ट जो है वो अटैच कर दिया अब इसी फाइल को अगर कुछ अर्से के बाद मैं सर्च करना चाहूँ और लोकेट करना चाहूँ मैं अपलोड नहीं करना चाह रही मैं कह रही हूँ मैंने कुछ देर पहले जो फ़ाइल थी वो अपलोड की हुई है और मुझे उसका नेम भी याद है ठीक है मैं यहाँ पे माइंडफुलनेस जो है वो लिख के देखती हूँ कि माइंडफुलनेस के नाम से मेरी एक ऑडियो फ़ाइल थी और मैंने उसके ऊपर सर्च किया तो देखें यहाँ पे फाइल्स आ गए और उसके नीचे एग्जैक्ट नेम भी नज़र आ रहा है यानी आप ऑडियो फाइल्स को सर्च भी कर सकते हैं और उनको अपलोड भी कर सकते हैं अब और उसको अपलोड करने के बाद लोकेट कर सकते हैं कि मेरे सिस्टम पे वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है और बियॉन्ड स्टूडियो में जब अपलोड कर लेते हैं तो फिर उन उसको उस स्पेसिफिक फ़ाइल को आप क्या करते हैं आ, अपने सीन के अगेंस्ट अटैच करते हैं तो ये दो वेज तो ये थे कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं थ्रू माइक आ, और अगर आपके पास टेक्स अवेलेबल है देन यू कैन जनरेट द ऑडियो फाइल इसके अलावा अगर आपके सिस्टम पे कोई एम पी फाइल पड़ी हुई है जो कि आप अपने सीन के अगेंस्ट अटैच करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं और अगर कुछ देर के बाद आपको याद आता है कि मैंने आ, एक फ़ाइल जो है एक हफ़्ता पहले या इससे ज़्यादा अरसे पहले मैंने कोई फ़ाइल जो है अपलोड की हुई है ऑडियो फाइल और आपको उसका नेम एग्जैक्ट याद भी है तो उसकी बेस पर आप सर्च भी कर सकते हैं last but uh, not the least to add character dialogue to scene select the character on your stage so i want to select uh, this character and against this character i want to add dialogue so you can see the same options from here uh, you can add dialogue through the uh, options add dialogue okay they can add dialogue maybe have to choose what we already have been discussed दैट इज़ ऑफ माइक रिकॉर्डिंग टेक्स टू स्पीच अपलोड ऑडियो आप अपलोड भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं या ये दो ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं यानी ये वो चार ऑप्शन हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अब ये जो डिस्कस कर रहे हैं दोबारा वो इस सीन के रेफरेंस से कर रहे हैं कि अगर आप इस स्पेसिफिक कैरेक्टर के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें करना चाहें डायलॉग ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप uh, कर सकते हैं एंड थ्रू दीज ऑप्शंस लाइक माइक रिकॉर्डिंग टेक्स्ट टू स्पीच अपलोड ऑडियो यानी वो ऑडियो आपके सिस्टम पे पड़ी होगी आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग ऑडियो जो कि आप पहले से अपलोड कर चुके हैं उसको सर्च बेस पे दोबारा से अपनी टाइमलाइन में ला सकते हैं टाइमलाइन जब आप इस ऑडियो को ऐड करते हैं तो वो आप डायरेक्टली लाइक कोई भी एग्जिस्टिंग ऑडियो जब मैं सेलेक्ट करूंगी तो वो ऐड होगी ये मेरी टाइमलाइन है उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो सीन के अगेंस्ट जो है वो अटैच हो जाएंगे सो वंस योर वॉइस हेज़ बीन एडिड एट्स टिपिकली अ गुड आइडिया टू एड बैक ग्राउंड म्यूज़िक इसका ये मतलब है कि जब हम फाइनली अपना डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके होते हैं यानि तमाम चीज़ें कर चुके हैं हमारी uh, वीडियो रेडी है बिल्कुल रेडी है टू डिलीवर तो हम क्या करेंगे कि उसमें आ, आ, अच्छा सा वॉइस इम्पैक्ट देने के लिए हम बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर देते हैं लेकिन उसकी परसेंटेज जो है वो कुछ कम रखते हैं लाइक अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करती हूँ कोई भी म्यूजिक जो आ, फ्रेश पर्सपेक्टिव इसको अगर ऐड करूँगी तो क्या करूँगी इसकी जो वॉलीम है या जो इसकी सेटिंग्स के थ्रू जाके इसकी सेटिंग करूँगी वो हंड्रेड नहीं बल्कि लो वॉल्यूम करूँगी फाइव टू सिक्स कर दूँगी वो इससे ये होगा कि मेरी जो एक्चुअल वॉइस ओवर है वो भी सुनाई देता रहेगा और उसका अच्छा सा इम्पैक्ट जो है बैकग्राउंड म्यूजिक देने से आएगा इसका प्रीव्यू लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वॉइस ओवर के साथ आप अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक जब ऐड कर देते हैं तो वो एक अच्छा सा इम्पैक्ट आपकी वीडियो में दे देता है सो वंस योर वॉइस हैज़ बीन लाइक like, अब ये देखें कि आपको दोनों सुनाई दे रहे हैं एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आपको हल्का सा सुनाई दे रहा है और एक्चुअल वॉइस ओवर जो है वो भी प्ले हुआ हुआ है सो ये आ, अच्छा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट uh, करता है क्लाइंट uh, के लिए जब आप एट द एंड जो है बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देते हैं सो म्यूज़िक सेट द टोन ऑफ योर वीडियो एंड मेक्स योर वॉइस साउंड मोर प्रोफेशनल तो uh, अगर प्रोफेशनलिज्म की तरफ आए तो बैकग्राउंड uh, म्यूजिक हम ऐड करते हैं ताकि बीइंग प्रोफेशनल आपकी वीडियो जो है वो जनरेट हो एडिंग वॉइस टू योर वीडियोस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कीप पीपल्स इंटरेस्ट एंड ब्रिंग योर कैरेक्टर टू लाइफ सो वी विल स्टॉप नाउ एंड विल मीट अगेन विद एन टॉपिक अल्लाह टॉपिकाफि